प्रदूषण से हाफ रहे दिल्ली एनसीआर में करीब दो महीने से बारिश नहीं हुई है, लेकिन गुरुग्राम की एक सोसाइटी ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। दूर दूर तक बादलों का नामो निशान नहीं, बावजूद इसके बूंदे बरसती रही। तस्वीरें गुरुग्राम के सेक्टर 82 स्थित डीएलएफ सिटी की है, जहां प्रदूषण से निजात पाने के लिए पहली बार कृत्रिम बारिश कराई गई। ऊंची इमारतों से स्प्रिंकलर के जरिए पानी की बौछारें की गई। 32 मंजिले हमारे हाई राइज टावर हैं, इनमें से हम कृत्रिम बारिश करा रहे हैं अपने फायर लाइन से। तो कम से कम जो ये पार्टिकल्स जो डस्ट हवा में फ्लोट कर रही है, उड़ रही है, तो कुछ हद तक इस पे काबू पाया जाए। माना जा रहा है कि इस तरह का प्रयोग दिल्ली एनसीआर की और भी हाई राइज सोसाइटी में हो सकता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कह चुके हैं कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराने का प्लान बना रही है। चीन समेत कई देश क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराते रहे हैं। देश में कृत्रिम बारिश की कोशिश पहली बार 1951 में हुई थी। करीब 5 महीने से अंतरिक्ष में फंसी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की नई तस्वीरें सामने आई हैं। सुनीता की नई तस्वीर के बाद उनके हेल्थ को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पिचके गाल, दुबला पतला शरीर और बेहद कमजोर सुनीता विलियम्स की तस्वीर हाल ही में नासा की तरफ से जारी की गई। तस्वीर में सुनीता विलियम्स की हालत देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो काफी ज्यादा बीमार है। सुनीता विलियम्स 6 जून को अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची थी, 13 जून को वापस आना था, लेकिन स्पेस क्राफ्ट में खराबी की वजह से वापस नहीं आ सकी। फिलहाल 2 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। नासा लगातार वापसी की तारीखें खोजने में लगा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने कहा था कि सुनीता की वापसी में फरवरी 2025 तक का वक्त लग सकता है। नासा ने सुनीता के स्वास्थ्य को लेकर लग रहे कयासों को खारिज किया है। नासा का कहना है कि सभी एस्ट्रोनॉट्स का रेगुलर चेक होता है, सभी स्वस्थ हैं। सोशल मीडिया यूजर्स को लेकर ऑस्ट्रेलिया की सरकार का बड़ा फैसला, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंस्टा, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लगेगी रोक। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया यूज नहीं करने दिया जाएगा। अल्बनीज ने बताया कि बच्चों को नुकसान से बचाने के लिए जरूरी है कि इस पर समय रहते रोक लगा दी जाए। संबंधित कंपनियों को नए नियम लागू करने होंगे या फिर उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री अल्बनीज के मुताबिक इस साल ऑस्ट्रेलिया संसद में इससे जुड़ा विधेयक पेश किया जाएगा। इससे पहले फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा था। ब्राजील के प्लेन में यात्रियों का हलक उस वक्त सूख गया जब एक शख्स अचानक से इमरजेंसी दरवाजा खोलने लगा। ये वीडियो उसी वक्त का है जब प्लेन में बाकी पैसेंजर इमरजेंसी दरवाजा खोलने वाले शख्स को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर के धक्का मुक्की के बाद शख्स को काबू में किया जा सका। प्लेन ब्राजील की राजधानी ब्रसीलिया से पनामा जा रहा था। प्लेन के लैंडिंग में सिर्फ 30 मिनट का वक्त बाकी था। इसी दौरान एक शख्स ने फ्लाइट अटेंडेंट को बंधक बनाकर प्लेन का इमरजेंसी दरवाजा खोलने की धमकी दी। प्लेन के क्रू मेंबर और बाकी पैसेंजर्स ने शख्स को काबू करके जमकर पिटाई भी कर दी। लैंडिंग के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पिछले साल जून में ही ब्राजील के एक कार्गो प्लेन का दरवाजा हवा में खुल गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।